एवरीवन, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लेकर आए हैं, कल हमने नाइट में आपको करा दिया था जैन धर्म, आज हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म। तो जैसे जैसे हमने बताया था कि जो वैदिक संस्कृति थी उसमें कर्मकांड बढ़ गए थे, तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का उदय हुआ, एक तरह से धार्मिक आंदोलन शुरू हो गया। ये धर्म जो है, छोटे छोटे धर्म जो है पनपने लगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मकांड हो गए थे, जातियाँ जो वर्गों में बट गई थी, जातिगत भेदभाव चल रहा था कि ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, इस तरह से चीज़ें शुरू हो गई थी। तो इन सबको दूर करने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का जो है उदय हुआ। लेकिन जैन धर्म में क्या है, जो वर्ण व्यवस्था है उसको ना बुरा नहीं माना गया था, लेकिन बौद्ध धर्म में आप किसी भी जाति के हों, आप किसी के भी धर्म के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आके ये धर्म की दीक्षा जो है यहाँ पे आके बौद्ध भिक्षु उपासक या उपासिका बन सकते थे। शुरुआत में क्या था कि इसमें महिलाओं का महिलाएं नहीं आ सकती थी, लेकिन फिर बाद में महिलाओं के लिए भी इसकी अनुमति दे दी गई थी। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में, क्षत्रिय कुल के 500 क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ओके, अब ये चीज़, ये डिटेल यहाँ पे मैंने अलग नहीं दी है, तो यहीं पे देखते रहिएगा। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था सुदोधन, ठीक है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और पिता का नाम था सुदोधन, इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। ओके, अब क्या है, बुद्ध की महामाया। लेकिन क्या हुआ था कि जैसे ही बुद्ध का जन्म हुआ वो तुरंत ही समाप्त यानी खत्म हो गई थी। तो फिर उसके बाद उनका लालन पोषण उनकी माता थी, उनकी मौसी थी गौतमी, जो कि मतलब फिर उनके पिता ने उनकी मौसी से विवाह कर लिया और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। गौतमी नाम था उनका, ठीक है, सौतेली माँ भी कह सकते हैं, मौसी भी कह सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। तो महात्मा बुद्ध के भविष्य के बारे में, कालदेव करके एक ब्राह्मण थे, है ना, उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती या तो चक्रवर्ती शासक होंगे, मतलब अगर राजा होंगे तो टॉप लेवल के होंगे, अदरवाइज सन्यासी होंगे। तो अब सन्यास की तरफ उनका झुकाव ना बचपन से ही हो गया था। तो लेकिन जब जैसे पिताजी ने सुना कि अरे हमारा बच्चा इतना बड़ा साम्राज्य है और हमारा बच्चा सन्यासी हो जाएगा, एक ही बेटा है ना, समस्या हो जाएगी, तो उन्होंने सोचा लाओ इसको विवाह के बंधन में, लोग कहते नहीं है कोई लड़का हो या लड़की कोई भी काम कर, अरे इसकी शादी कर दो। तो उस समय से ही ये प्रोसेस चला आ रहा है, उन्होंने सोचा शादी कर दूंगा तो पत्नी में मन लगेगा, बच्चों से मोह हो जाएगा, तो ऐसा फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन उनकी थ्योरी क्या है, गलत हो गई, उन्होंने गलत साबित कर दी। क्योंकि उन्होंने क्या करा, पहली बात तो उनको कहीं कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया, उन्होंने कभी दुख जाना ही नहीं कि क्या समस्याएं होती हैं, लोग क्या क्या फेस करते हैं अपने जीवन में, वो सब कुछ भी नहीं जाना, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। फिर एक दिन वो चुपचाप से महल से निकल गए सारथी को लेके। फिर उन्होंने अपने मन को विचलित करने वाले जो है चार दृश्य देखे, है ना। चलिए पहले इसमें पढ़ लेते हैं। तो यशोधरा से उनका शादी हो गई, और जो इनकी वाइफ थी उनका जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें क्या क्या नाम मिलते हैं, जैसे बिंबा हो गया, गोपा हो गया, भद्रकच्छना हो गया, ये नाम मिलते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, ये नाम भी इनकी वाइफ के हैं यशोधरा के। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, ठीक है। सिद्धार्थ बचपन से ही संन्यास प्रवृत्ति को प्राप्त कर चुके थे, ठीक है। अब जब आपकी प्रकृति लिखी जा चुकी है तो फिर माइंड उसी दिशा में काम करता है। सिद्धार्थ को क्या है, चार दृश्यों ने अत्यधिक विचलित किया था। क्या क्या था उसमें? वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, फिर है बीमार व्यक्ति, ये है मृत व्यक्ति, फिर सन्यासी। वृद्ध व्यक्ति जब उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा ये कौन है, ये इतना झुक कर चल रहा है, डंडा लेकर चल रहा है हाथ में, उन्होंने कहा ये वृद्ध व्यक्ति है, एक समय बाद इंसान में यह अवस्था आती ही है। फिर देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति, कि ये क्या है, कि ये बीमार हो गया है, जो कि नॉर्मली अमूमन सब होते हैं। मृत व्यक्ति, कि यही संसार का सत्य है, एक दिन आए हैं और आपको जाना ही है। फिर उन्होंने देखा सन्यासी, एकदम अपना नाश्ता गाता, अपना मतलब बिल्कुल मस्ती और आनंद में चला आ रहा था। उन्होंने पूछा ये कौन है, कि ये सन्यासी है, इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बस तभी से उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला अपने दिमाग में ले लिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने क्या किया, जब सब कुछ हो गया, बच्चा भी हो गया, उन्होंने एक पुत्र भी दे दिया कि कल को साम्राज्य संभालना पड़े तो यही संभाले, और खुद निकल आए, गृह त्याग कर दिया, रात को ही निकल आए। तो इस प्रक्रिया को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम मुलाकात इनकी सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे अलार कलाम से वैशाली में हुई। फिर उन्होंने क्या किया, 6 वर्ष तक घोर तपस्या की। अच्छा, इसके बीच में प्रोसेस था, आप ऐसे नहीं कि आए अचानक से और सब कुछ प्रोसेस शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसान भी नहीं था। तो जब ये पहले वैशाल सर्वप्रथम ये अलार कलाम से वैशाली में मिले, फिर वैशाली के बाद ये गए, ये मैंने लिखा है नहीं बट मैं बता दे रही हूँ आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए, कि वैशाली के बाद ये उरुवेला गए। वहाँ पे क्या किया इन्होंने, 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ वाराणसी में तब जो है इन्होंने आराम कर दिया। फिर क्या हुआ, इन घोर तपस्या से इनका शरीर क्या जर्जर होने लगा, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, दिन रात तपस्या करना। एक दिन प्रातःकाल क्या हुआ, नदी स्नान के लिए जाते समय ये मूर्छित होकर गिर गए, है ना। एक बालिका ने इन्हें खीर अर्पित कर दी, वो लेकर आई थी, मतलब वहाँ पे नदी किनारे बैठी थी, उसके कमंडल में खीर थी, तो उसने इनको जब ये बेहोश हो गए तो उठे तो इनको खीर दे दी और इन्होंने यह खीर खा ली। तो क्या हुआ, जब वो खीर खा ली इन्होंने, तो मतलब जो इनके साथ और भी वो थे, मतलब जो और भी तपस्या कर रहे थे लोग, वो इनको छोड़ के चले गए हैं। और इन्होंने जब खीर खाई तो इनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि शरीर एक साधन है, अतः इसे नष्ट करके हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। अत्यधिक योग अत्यधिक भोग दोनों ही विनाशकारी हैं। यानी हम ज़्यादा मध्यम, इसीलिए इनको मध्यम मार्गी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ना तो इन्होंने ज़्यादा डिफिकल्टी पे ध्यान दिया है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है चीज़ें, तो उस पर ध्यान नहीं दिया है, और ना ही इन्होंने एकदम आसान रास्ता चुना है, मध्यम मार्ग चुना है। वो जो सामग्री इन्होंने ग्रहण करने के कारण जो इनके 5 साथी थे उनको छोड़कर चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि यह बोधगया पहुँचे, वहीं पर एक बट वृक्ष पर निरंजना नदी के तट पर इन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या की, और वहाँ पर इन्होंने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन की रात पीपल बट है वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी थी वो जहाँ पर ये थे, वहाँ पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, अब गया में ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भगवान बुद्ध ने तपस्या मलिक नामक सूत्रों को, इन्होंने ये गलत कर दिया, तपस्सु है सॉरी, है ना, तपस्सु, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, तपस्सु और भालिक थे, ठीक है, तो दोनों ही नाम गलत हो गए हैं ये, तब एक तो तपस्सु है और एक भालिक है, जो इनके साथ थे ना, जो बहुत नाक बना रहे थे कि अरे तुमने खा लिया है, उन्हीं ने आके इनसे फिर शिक्षा भी ली जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया पहले ही, ये था ठीक है, भालिक और तपस्सु, इसमें मिला आधा है, तो ये दोनों नाम मेंशन कर लीजिएगा। इन्होंने अपना, इनको सबसे पहले शिष्य बनाया। फिर क्या है, उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संघ का भी गठन किया। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल राज्य की जो राजधानी है श्रावस्ती, वहाँ पर किया। श्रावस्ती में खतरनाक डाकू था एक उंगलीमाल, उसको भी इन्होंने अपना शिष्य बना लिया। वो स्टोरी मैं फिर कभी फुर्सत में बताऊंगी, काफ़ी अच्छी स्टोरी है वो, उसे आप सीख सकते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, ठीक है। और बुद्ध के जो अनुयायी थे शासकों में बिंबसार, जैसे कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे, वो भी बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देने लगे। तो उसमें कौन कौन थे, बिंबसार, प्रसेनजीत और उदयन। और बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे, एक होता है ना कि एकदम फेवरेट वाले, वो थे उपाली और आनंद। आनंद के कहने पर ही इन्होंने संघ में महिलाओं को अनुमति दी। बुद्ध प्रचार प्रसार करते हुए अपने जीवन के अंतिम समय में अपने एक शिष्य थे, उनके चुंद नाम था उनका, उनके पास ये पावा में पहुंचे। पावा क्या है, मल्ल राज्य की राजधानी थी। पावा में उन्होंने सुकर मधु खा लिया, जिसे लोग कहते हैं एक तरह का प्रसाद था, पता नहीं क्या था, कुछ लोग कहते हैं कि सुगर का मांस था, मीट था, जो भी था, उसको खाने के कारण इनका पेट जो है खराब हो गया, जिससे अतिसार रोग से पीड़ित हुए। और मतलब खाने के बाद इनकी फिर जब ये पावा में थे, पावा से ये कुशीनगर गए, ठीक है। बुद्ध जो है कुशीनगर पहुंचे और 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में एक सुबोध नामक शिष्य था, उसको अपना अंतिम उपदेश भी दिया, और 483 ईसा पूर्व में
80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ये हो गया महापरिनिर्वाण। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका तो वर्णिंग हमने की नहीं, उसको बोलते हैं निर्माण प्राप्त होना, निर्वाण, ठीक है, नॉट निर्माण, ये लिखा है, इसका हाफ कर दीजिएगा। फिर बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के जो शरीर के आठ शरीर के जो अवशेष थे ना, उनको 8 भागों में विभाजित करके स्तूपों में गाड़ा गया। अब ये 4 आर्य सत्य हैं, क्या है, सबसे पहला है आपका दुख, यानी कि संसार में क्या है, दुख है। उन्होंने, भगवान बुद्ध ने बताया कि संपूर्ण संसार को दुख बताया। फिर क्या है, दुख निरोध है ना, उससे पहले दुख समुदाय कर लेते हैं, है ना। दुख, दुख क्या है, दुख विभिन्न समुदायों से उत्पन्न होता है, अविदा व तृष्णा दुख समुदाय है। फिर क्या है, दुख निरोध, यानी बौद्ध धर्म में दुख निरोध अर्थात दुख को दूर करने की तृष्णा उन्मूलन के को आवश्यक बताया गया है, बताया गया है कि दुख को दूर किया जा सकता है, अर्थात बौद्ध धर्म में कहा गया यदि तृष्णा को दूर कर दिया जाए तो दुख का निवारण हो सकता है। तृष्णा क्या होती है, मन की इच्छाएँ, अगर ये इनको या तो इनको संतुष्ट कर दिया जाए या इनको खत्म कर दिया जाए तभी जो है आपको निवारण मिल सकता है। फिर क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोध गामिनी क्या है, बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दुखों को दूर करने के लिए हम निम्न जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनका प्रयोग करके, है ना, सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। तो उससे पहले हम अष्टांगिक मार्ग भी देखेंगे, उससे पहले छोटी सी चीज़ देख लीजिए कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पाए गए हैं, है ना, बुद्ध धम्म और संघ। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं इनको मैंने कराया तो था, ये रहे, ठीक है। तो अब देखिए, अब बुद्ध, गौतम बुद्ध का जो भी जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनके सबके एक पर्टिकुलर प्रतीक चिन्ह हैं। तो यहाँ हम प्रतीक चिन्हों को देख लेते हैं। उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल एवं सांड, और गृह, जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसका क्या था, घोड़ा। तो ये यहाँ पे हो गया, यहाँ होना चाहिए था। ज्ञान का क्या क्या साइन है उनका, पीपल बोधि वृक्ष। वही निर्माण, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो पद चिन्ह, है ना, और मृत्यु का है स्तूप, क्योंकि उनके जो अवशेष थे वो 8 स्तूपों में ही तो दबा दिए गए थे, ठीक है। चलिए, फिर है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग जो मैंने बताए थे अभी, कि उन्होंने क्या कहा था, दुख निरोध गामिनी यानी प्रतिपदा, कि यानी कि हम अष्टांगिक मार्गों के द्वारा दुख का निरोध कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में क्या होता है कि वस्तुओं को वास्तविक स्वरूप में देखना, जो रियल है, फालतू का नहीं कि इससे ये होगा उससे वो होगा, ये नहीं, जो है अभी रियलिटी वो देखो। सम्यक संकल्प यानी कि द्वेष, हिंसा, तृष्णा, इन सबसे अलग रहकर विचार करना, यानी किसी के प्रति आप ये जलन भाव ना रखें। सम्यक वाक्य, वाक मतलब अप्रिय वचनों को ना कहना, अच्छा बोलना। सम्यक कर्मांत यानी कि दया, सत्य, अहिंसा जैसे अच्छे कर्मों का पालन करना। सम्यक आजीव क्या होता है, सदाचारी नियमों में रहकर जीवन व्यतीत करना। फिर है आपका सम्यक व्यायाम, जो कि आजकल लोग भूल जाते हैं करना, और पेट, मोस्ट ऑफ देम पीपल पेटू हो गए हैं, पेट निकल रहे हैं सबके। सम्यक व्यायाम यानी विवेकपूर्ण ढंग से प्रयास करना। सम्यक स्मृति यानी अनुचित धारणाओं को हटाकर सच्ची या सही धारणा को ही धारण करना। सम्यक समाधि यानी चित्त की एकाग्रता। समाधि मतलब वो नहीं कि आप जमीन में बैठ के चले गए हैं, ये सारी चीज़ें हमें जैन धर्म में, यानी संलेखना एक प्रवृत्ति है जो हमें जैन धर्म में देखने को मिलती है। मैंने उसमें इतना डीप इसलिए नहीं कराया है बच्चा लोग, क्योंकि उसमें आएगा ही नहीं इतना डीप, ठीक है। तो ये है आपका अष्टांगिक मार्ग। फिर है आप बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम जान लेते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। कि बौद्ध धर्म कर्मकांड व्यवस्था का विरोधी था। बौद्ध धर्म का दरवाज़ा हर जाति के लिए खुला था। बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश शुरुआत में नहीं था लेकिन बाद में कर दिया गया। बौद्ध धर्म में अंतः, यहाँ पे अंतर नहीं अंतः होगा, अंतः शुद्धिकरण पर बल देता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में कर्मवाद यानी कि कर्म को ही प्रायोरिटी दी जाती है ना। बौद्ध धर्म कर्मवाद में भी विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म कर्मवाद में भी विश्वास रखता है। अंगुत्तर निकाय है जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और इसी तरह से जैन धर्म में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में बुद्ध चरितम नामक
ग्रंथ की रचना की। बौद्ध धर्म की जो मुख्य भाषा क्या थी? पाली। और उस समय पाली क्या है, लोगों की लोकप्रिय भाषा थी, इसलिए इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ। और उन्होंने संस्कृत भाषा, उन्होंने थोड़ी टिपिकल भाषा यूज़ की जैन धर्म ने, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 कथाओं का वर्णन मिलता है। बुद्ध का पंचशील सिद्धांत जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जो मतलब आपको जानने के पर्पस से जरूरी है कि बहुत आगे चल के बौद्ध धर्म दो भाषाओं में बट जाता है, महायान और हीनयान। हीनयान यानी कि जो मतलब जो एक तरह से देखो, हीनयान मतलब निम्न मार्ग, वही महायान की बात कर लें तो हम उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है। तो बुद्ध अपने मत को कहते हैं, क्या कहते हैं, मध्यम मार्ग, या अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें, मतलब दूसरी तरीके से बोलें तो मध्यमा प्रतिपदा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी सी बहुत संगतियाँ भी हैं, उनको भी जान लेते हैं हम, एक नज़र उनको भी देख लेते हैं। तो ना कुछ बहुत संगतियाँ हुई थी, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार हम। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, और ये सारी बौद्ध संगतियाँ कब हुई, मतलब बुद्ध जी की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद, ठीक है। तो प्रथम हुई थी 483 ईसा पूर्व में, कहाँ हुई थी, राजगृह में। फिर उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप, ऐसा जो भी बोलना चाहें आप, इन दोनों में से ना कि कुछ भी। तो शासक उस समय किस राजा के शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के में। वहीं दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में, और सुबु कामी यानी साबक मीर इसके अध्यक्ष थे, और शासक उस समय कौन थे, कालाशोक। वहीं तृतीय बौद्ध जो संगति हुई थी वो 247 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्स थे। वहीं इसके शासक कौन थे, अशोक, है ना, इसके शासक थे, मतलब इसके समय जो शासक था वो था अशोक। फिर है आपका चौथी बौद्ध संगति, इसके बाद बौद्ध संगति नहीं हुई थी, इसके बाद क्या हुआ था, ये दो धाराओं में बट गया था, महायान और हीनयान। महायान मतलब उत्कृष्ट मार्ग, हीनयान मतलब निम्न मार्ग। तो कहाँ थे हम, यहाँ पे चौथी पे थे, ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई थी ये, ठीक है। अब फिर यहाँ से शताब्दी शुरू हो गई थी, तो ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष तो थे वशुमित्र, इसके ना उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, तो वो और मेंशन कर लीजिएगा, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। वहीं इसके शासक कौन थे, कनिष्क। अब मैंने कैसे याद किया था पता है, अब जैसे ये है आपका आर राजगृह वैशाली और ये सब, तो मैंने कैसे याद किया था, RVPK ऐसे करके, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, और ये क्या है, AK AK। शासक कौन थे, AK AK, और पहले AK जो हैं आपके बड़े बड़े होंगे, है ना, पहले AK होंगे आपके बड़े, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, है ना, AK AK, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क। तो ये जगह पूछी जाती है किसके में हुई थी, इवन अध्यक्ष भी पूछी जाती है, तो इसको आप अपनी ट्रिक से याद कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी इसमें आपको जानकारी चाहिए सब आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं आप, अभी हाल ही रिसेंट से जुड़ी हुई है, तो फीमेल फर्स्ट भी देख सकते हैं इसमें प्लेलिस्ट, अगर आपको देखना आती है तो आप आराम से देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।